कल की 30/6/2024 की ये घटना है जो महाराष्ट्र के पुणे शहर के लोनावाला भूसी डैम का ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही परिवार के पांच लोग पानी के बहाव से बह गए। हम आपको हमारे चैनल जनता की बात के जरिए बता रहे हैं, ये पुणे के लोनावाला भूसी डैम का वीडियो है। यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं और यहाँ का नज़ारा देखते हैं। इसी तरह यहाँ पर कल मुस्लिम परिवार के लोग भी आए और लोनावाला के भूसी डैम के झरने का पानी जो बह रहा था इसका नज़ारा देखने के लिए ये पानी के अंदर पहुँचे, लेकिन अचानक पानी का बहाव बढ़ता गया जो ये लोगों के लिए चिंता का सबब बना और पानी के बहाव से ये लोग बाहर नहीं निकल सके और पानी का इतना बहाव बढ़ा कि एक एक दो दो कर पांचों लोग बह गए। यहाँ पर लोगों ने इन्हें बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन बचा ना पाए। हम आपको हमारे चैनल जनता की बात के जरिए बता रहे हैं कि अगर आप भी कहीं घूमने जाते हैं अपने परिवार मित्र दोस्त के साथ तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि पानी की धार जहाँ पर बह रही है, झरना हो, नदी हो, नाला हो, इसमें किसी को ना जाने दे, क्योंकि अचानक कब भी पानी बढ़ सकता है और ऐसी घटना हो सकती है। आज यहाँ की जो घटना घटी है ये बहुत दुख की बात है। एक ही परिवार के पांच लोग बहने से इस परिवार पर क्या संकट आया है इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। इसलिए हमेशा खबरदारी रखें, एहतियात रखें कि ऐसी जगहों पर जाने से बाज रहे, टाले ना जाए ताकि ऐसी घटना ना हो, बहते हुए पानी में ना जाए, क्योंकि पानी का बहाव बारिश होने की वजह से कब भी बढ़ सकता है और ऐसी घटना घट सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोग जो पानी के बहाव में खड़े हैं, इन्हें बचाने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन बचा नहीं पाए। ये मासूम बच्चे जो भी है यहाँ पर इस वीडियो में देख सकते हैं आप, और ये पानी के बहाव में किस तरह अपने आप को बचाने के लिए आवाज़ भी लगा रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ कर रखे हुए ताकि इस संकट से बच सके, लेकिन इनकी हिम्मत की हम दाद देते हैं। इन्होंने कई देर तक यहाँ पर हिम्मत से खड़े रहे लेकिन पानी का बहाव बढ़ने से ये एक एक दो दो कर बह गए। आप ऐसी घटना फिर ना होए इसलिए हमेशा खबरदारी रखें, अपने परिवार दोस्त मित्र सभी को इस बात की जानकारी दे, खबर दे कि पानी के बहाव में ना जाए और ऐसी होने वाली घटना को टाले। मैं हूँ शाकिर मलिक, जनता की बात अब तक।